हमारे इंडिया में ऐसी अनगिनत NBFCs हैं आज की डेट में जो कि व्यक्ति को बहुत इजीली प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड कराकर आसानी से उसको लोन दे देती हैं। ऐसी एप्लीकेशन बना रखी हैं जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट डालिए और आसानी से आपको लोन मिल जाता है। जब उन एप्लीकेशन से लोन लिया जाता है काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है कि यार ये चलो ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ले रही हैं बट चलो लोन तो हमें टाइम पर दे रही हैं, प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट हो रही है। लेकिन जब व्यक्ति किसी कारणवश लोन को डिफॉल्ट करता है तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं व्यक्ति की। जैसे उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की जाती है, बहुत ज़्यादा उसको बेइज्जत कराया जाता है। अभी हाल ही में इन कंपनीज के द्वारा बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया गया, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ना की गई, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको क्लियरली वार्न किया कि आप जो इलीगल तरीके ये अपना रहे हैं, इन इलीगल तरीके को आप बंद कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप ये जो कर रहे हैं पूरे तरीके से गलत कर रहे हैं। अब इन कंपनीज को भी पूरे तरीके से टेंशन हो गई, इनकी जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यार हम पूरे तरीके से ऐसे तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे, हम पैसे को रिकवर ही नहीं करवा पाएंगे, अगर व्यक्ति से प्यार से बात करेंगे तो पैसा रिकवर करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया, इन्होंने कोई ना कोई उपाय निकाल करके लेकर के आए इसमें कि अब ग्राहक का जो लोन है, अगर ग्राहक जेन्युइन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहा है तो उसका लोन अकाउंट ये NPA नहीं होने देंगे, ग्राहक को पूरे तरीके से बेनिफिट मिलेगा इसका। अब इन्होंने क्या किया है, अब ये कोई भी अगर ग्राहक को लोन दे रहे हैं तो लोन देते समय उसका एक ये इंश्योरेंस करा रहे हैं। अब इंश्योरेंस पहले भी होते थे लेकिन अब इन्होंने ये ओपनली बोल दिया है, अपने जो लोन सेंशन लेटर है वहां पर क्लियरली इन्होंने दिखाया ये सब चीजें कि अगर ग्राहक की भगवान ना करे किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उस केस में ग्राहक को कोई भी पैसा वापस नहीं करना है और जो भी उसका बेनिफिट है उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जो इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी है इसको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट भी दे रहा है जो मेरे देखने में आया है, अभी मैंने और किसी एप्लीकेशन पर ये नहीं देखा है। जब क्रेडिट भी ने कर दिया तो और एप्लीकेशन भी कर देंगी। व्यक्ति किसी कारणवश मेडिकल इमरजेंसी में आ जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है तो 3 EMI पूरे तरीके से वो लोन कंपनी उस ग्राहक के बिहाफ पर पे करेगी। मतलब उससे क्या होगा, उसका जो लोन अकाउंट है वो NPA नहीं होगा, ये पहले ही उस EMI को पे कर देंगे। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये जो इंश्योरेंस करा रहे हैं लोन लेते समय, इससे ग्राहक को भी दिक्कत नहीं होगी और ग्राहक को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, भले ही ग्राहक से थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लिया जाए बट बहुत सारी जो सुविधाएं हैं ग्राहक को इसकी मिल रही हैं। जो जेन्युइन प्रॉब्लम के साथ में होते हैं, जिनको मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और भी कुछ समस्या हो सकती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। तो ऐसा सभी बैंक को और NBFC को करना चाहिए। अब लोन नहीं चुकाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब इतनी आसानी से लोन अकाउंट NPA नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है कि भाई अब लोन अकाउंट NPA नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 EMI, वो क्रेडिट भी, एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट भी दे रहा है तो क्रेडिट भी ही देगा, उससे ऊपर अगर आपका हो जाता है तो फिर तो भैया NPA हो जाएगा, समझ रहे हैं। मानो दो तीन EMI आपने डिफॉल्ट कर दी, 3 कंपनी ने भर दी, फिर 3 आपने डिफॉल्ट कर दी, तो फिर थोड़ी कंपनी भाई उसको पे करेगी, ये बताओ। सिर्फ एक ही बार की तो छूट मिल रही है, यानी 3 महीने की आपको छूट मिल जाएगी लोन अकाउंट NPA होने से रोकने से। अब देखो NPA से आपका क्या नुकसान है इसमें आपको समझना है। जब आपका अकाउंट NPA हो जाएगा तो आपके सिविल पर इंपैक्ट पड़ेगा और जो वो बैंक है या फिर जो NBFC है वो लीगली रूप से कार्रवाई करने के लिए रेडी हो जाएगा, वो कर सकता है। और इससे उस NBFC का क्या नुकसान है, उस बैंक का क्या नुकसान है, इससे बैंक और NBFC का ये नुकसान है कि भाई अगर NPA रेशो बढ़ जाता है, मानो उनका अगर NPA 25% या 20% 15% चला जाता है तो RBI उस पर लॉक लगा देगा, RBI उस पर ताला लगा देगा, RBI क्लियर कर देगा कि भाई आप इस प्रकार की सर्विस देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए आपको बैन किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये चलो ठीक है ग्राहक को थोड़ी बहुत तो इससे राहत मिलेगी बट ग्राहक एक्स्ट्रा भी पे कर रहा है, लेकिन ये ना हर चीज जो भी लेकर के आते हैं ये अपने फायदे के लिए लेकर के आते हैं, तो ये तो मैंने सोच लिया। क्योंकि मैं जब भी बातचीत करता हूँ ना, जो मेरे कुछ मित्र हैं जो कि इस लाइन में हैं, उनसे बातचीत करता हूँ तो उनका यही कहना होता है, भैया ये कोई ना कोई ऑप्शन निकाल ही लेते हैं और इनके पास में बतेरे ऑप्शन है,
लेकिन कस्टमर को कभी भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेने चाहिए। देखो इससे तो एक बात क्लियर है, अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंसते हैं तो आपको बहुत अच्छी मदद इसमें मिलने वाली है। लेकिन अगर आप ऐसे ही हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसा भी नहीं कमा रहे, आप घर पे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस ये टेंशन लेकर के बैठे हैं कि भाई मैं लोन नहीं चुका पा रहा, मैं क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, तो ऐसे तो भाई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये बेनिफिट मेडिकल इमरजेंसी वालों के लिए दिया गया है। अब देखिए जैसे क्रेडिट भी ने बदलाव किया है, तो इससे रिलेटेड काफी आपको फेक व्यक्ति मिल जाएंगे जो बताएंगे कि हाँ मैं उस कंपनी से बात कर रहा हूँ, ये सुविधा आपको दिला दूंगा। ये सुविधा तभी आपको मिलेगी जब आपने लोन लेते समय प्रॉपर इंश्योरेंस लिया होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जाएं, अच्छी नहीं लगी वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव देना है ईमेल और कमेंट के जरिए दे दें। अगर आप हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो ये हमारी पेड सर्विस है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें सेंड करनी होगी, हम आपका टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट दे देंगे जब आप हमसे सारी चीज़ें बताएंगे और आपको बता देंगे हमें आपको कितनी फी पे करनी है। थैंक यू सो मच।